अरे भैया तेल खत्म हो गया आपका गाड़ी में? अरे भैया कैसे ऐसे चलेगा, इतना महंगा गाड़ी लेके तेल खत्म हो गया, ऐसे कैसे चलेगा काम? क्या उतर के देखो भैया, एंट्री है कि बंद कर दिए? अरे यार तेल खत्म हो गया, मेरे को बहुत हंसी आ रहा है। भैया फोन किए ना कि उनका बाइक का जो है ना फ्यूल खत्म हो गया। सो गाइस हेलो एवरीवन, सभी को जोहार, वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो ऑफ इलीगल बंजारा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब कोई अच्छे होंगे। सो हम लोग आज दिनभर रूम पे थे, तो हम लोग आज सोचे ना, हम लोग बोलने की आदत नहीं छूटेगा मेरा, तो हम जा रहे हैं टैगोर हिल। एक्चुअली सीन क्या बना कि कैप्टन भैया को फ़ोन किए थे, तो भैया बोले कहीं गया नहीं इस वीक पूरा, आ जाओ आज चलते हैं हिल टैगोर। बट उनको अब सीन ऐसा लग रहा है ना कि बंद हो गया होगा वो, रांची में ठंडा बहुत ऑलरेडी पड़ चुका है, इसकी वजह से मेरा आवाज़ भी धीमा हो गया। तो अभी टैगोर हिल पहुँचने में बहुत टाइम है, दिखाते हैं रास्ते में क्या क्या और मिलता है हम लोग को। तो किसी तरह हम लोग पार कर लिए लालपुर, क्या सनसेट देखेंगे यहाँ, तो पहले ही सनसेट का भरता बन गया है आज। एक्चुअली वैसे ही बादल पूरा छाया हुआ है और हम लोग जो है ना ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले कुछ बादल हटा था, तो इसी वजह से प्लान बना था वहाँ जाने का, बट हम लोग अब आउट ऑफ टाइम हो चुके हैं। इट्स ऑलरेडी 4:45। अगर आप इस वक्त में कार लेकर निकलने का सोच रहे हो, तो शायद आपका प्लान जो है ना उतने अच्छे से वर्क ना करे, क्योंकि इस टाइम बहुत भीड़ होता है, पैदल चलने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। कोई तो रोक लो, नहीं काके मत रोकना भाई, कोई तो था भाई, इसी वजह से चुपचाप से निकल लो इधर से, क्योंकि हम लोग हैं दो और पीछे पिलियन के पास हेलमेट नहीं है। तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि हम लोगों को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेते। I don't think so. We are going inside. बाप रे कितना ही भीड़ है। जा उतर के देखो भैया, एंट्री है कि बंद कर दिए? अरे यार कैप्टन भैया तो आए नहीं है, लेकिन उनका बाइक हमको दिख रहा है, ये रहा उनका बाइक, हमको पता है भाई, हमको नहीं कलर अच्छा लगता रिम का, घी जो हाँ ब्लैक अच्छा है, लेकिन ये जो है ना मेटलिक कलर है यार। ये गाड़ी वाला भी ऐसे लगा गया ना उधर कि हम लोग को रॉन्ग में आने में मजबूर हो गए। एक तो हम लोग का इंडिकेटर भी गलत तरीके से जल रहा था। ओह माय गॉड, सब्जियाँ इधर नहीं, सब्जियाँ इधर भी अच्छी अच्छी लगे हुए हैं, देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो सब्जियाँ भी ले चलेंगे। सब्जी तो अच्छा है वैसे, लिया जा सकता है का? कहाँ रह गए भैया तेल खत्म हो गया
अरे गाड़ी पास रुको हमारे, अरे अरे हम रुके, अरे हम भैया अरे भाई भैया का हो गया तेल खत्म भाई मेरे को बहुत हंसी आ रहा है, भैया फोन किए ना कि उनका बाइक का जो है ना फ्यूल खत्म हो गया भैया उसका क्या सीन हुआ है कि नहीं पता नहीं, हूँ तो कर रहा है, बंद कीजिए गाड़ी, हमको लग रहा है हम जाके भरवा के आते हैं। अरे रुकिए ना देख लेते हैं, है खत्म ना, आवाज आ रहा है कुछ सुनिए, नहीं आ रहा है, रुक रुक जिमी आ रहा है ना मंगवाते हैं, हाँ उसको बोल लाइट वाले में खड़ा करते गाड़ी, चलिए। तो हमारे साथ सीन ये हो गया ना कि भैया का जो गाड़ी का फ्यूल है ना वो ऑलमोस्ट डेड एंड पे है, तो कहीं निपट ना जाए इस वजह से हम लोग गाड़ी कहीं पार्क करेंगे और भैया के लिए फ्यूल लाने जाएंगे। भैया भी लाइक गजब बेइज्जती है यार, तेल ख़त्म हो गया, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज, किसी तरह भैया पहुँच ही गए फाइनली बस पहुंच जाए भाई, अच्छा है जिमी आ रहा है, अच्छा ठीक है उसको बोले ना ला देगा, कहीं नहीं ऐसा नहीं कि पहुंच जाए स्कूटी लेके चल जाएंगे, अच्छा स्कूटी में है वो, ठीक देखो क्या लेके आया। अरे भैया तेल खत्म हो गया आपके गाड़ी में, क्या करेंगे भैया, अरे भैया तेल खत्म हो गया आपके गाड़ी में, अरे भैया कैसे ऐसा चलेगा, इतना महंगा गाड़ी लेके तेल खत्म हो गया ऐसे कैसे चलेगा काम, बहुत मेहनत से तेल भरे भैया अभी थोड़ा, अच्छा काम कर गया तेल भरने के लिए ऐसा, अरे यार कोई बात नहीं, भरो 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 जल्दी भरो जल्दी, पिलाओ पानी पिलाओ, देख लो भाई पेट्रोल खत्म, पेट्रोल खत्म बड़ा दुख है, रितेश कहाँ गया, जिंदगी में दुख ऐसे नहीं रहे, उड़ेल रे उड़ेल एक के साथ उड़ेल, समझाओ समझाओ उसको, कोई बात नहीं एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे, हाँ अभी सही किया, ये सही है, वो तो बियर पीता है देखा उसको रील्स में, यही तो था यही तो था यही था अभी हेलमेट पहना ना इसलिए पता नहीं चल रहा, अरे अरे नहीं अच्छी जगह फेंकना उसे, देख रहे भाई थैंक यू जिमी, बहुत मेहनत लगा बोतल ढूंढने में, बोतल ढूंढने में कहाँ गया था बोतल ढूंढने, स्पीकर हाउस, स्पीकर हाउस, अब गाड़ी कम से कम 30 किलोमीटर तो जाएगा एकदम। तो आफ्टर अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन एंड नौटंकी फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, ये जी टी कॉन्टेंट कॉन्टेंट भैया मुरुक भारी है, धैर्य वजन है, धैर्य वजन है, लेकिन अच्छा लगता है गाड़ी, सबसे खराब जिसका कार लग रहा है 80 के ऊपर ना हैंडल हैंडल ऐसे होता है, कहाँ कह रही हो, हाँ बहुत वोबल, चलिए बाय बाय, चलो ठीक है, चल जिमी हम भी जा रहे हैं, निकलते हैं हम लोग भी, गुड नाइट, बाय। गाड़ी देखते ही आगे वालों का फोन निकल जाता है देखो हम बोले थे ना ओ भैया रैप करिएगा, तो इस शॉर्ट ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड, इतना ही था आज का कंटेंट, तो चलो फिर बाय बाय सबको और सभी को जोहार।